केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन होगी। मोदी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इसके लिए काम किया जा रहा है। वे मंडी के पडल मैदान में आयोजित ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आवश्यक है कि बैंक जनता से दूर न रहे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से यह तय किया जाएगा कि जनता को बैंकों से अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। इस पहल के अंतर्गत देश भर में 450 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्राहक संपर्क पहल के अंतर्गत सभी बैंक विभिन्न ऋण योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मौजूदा कंपनियों के लिए मूल कॉरपोरेट कर की दर को मौजूदा 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2019 के बाद लगने वाली नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कर की दर को घटाकर 15% पर लाया गया है। सरकार की इस कदम से अगले 2 साल में भारत दुनिया भर के लिए निवेश का केंद्र बन जाएगा। कि कई बार मन में शंका होती है कि ना जाने बैंक पैसा देगा नहीं देगा, बैंक के पास पैसा है या नहीं है। 2009 तक बैंकों के ने कुल 18 लाख करोड़ रुपया दिया था, लेकिन 2009 से 14 तक 40 लाख करोड़ रुपया और दे दिया गया, जिसके कारण बैंकों ने 58 लाख करोड़ रुपया जनता को, और ऐसे ऐसे लोग पैसे लेके उस समय भागे जिनको वापस लाने के लिए हमें कानून बनाने पड़े। जब हम आए तो बैंकों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने छिपाया नहीं किसी से, जैसे पूर्व की सरकार ने किया। हम लोगों ने एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों के करवाए, उनकी बैलेंस शीट साफ करने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।